हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप में अगर आपने अपना बैंक अकाउंट गलत डाल दिया है या फिर कोई ऐसा बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग में जो कि बंद हो चुका है, तो इस केस में आपका पैसा कितने दिन तक होल्ड हो सकता है, इस पर बात करेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसे एक स्टूडेंट है जिन्होंने पेटीएम बैंक से उनका आधार सीडिंग था और आप क्या होगा वो क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट है जिनका भी आधार सीडिंग जो है एनपीसीआई मैपिंग दूसरे बैंक से था, लेकिन उनका पैसा जो है दूसरे बैंक में आ चुका है, तो हम इस पर बात करेंगे। एंड साथ साथ एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे एससी कैटेगरी के बच्चे जो कि नर्सिंग फार्मा से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का जो है रिजेक्ट हो गया है और पूरे के पूरे एससी कैटेगरी के बच्चों का रिजेक्ट हो गया है। अब कॉलेज वालों कुछ और बोल रहे हैं एक्चुअल में क्या है, और इससे जो है हमारा समाज कल्याण विभाग में बात भी हुआ है, बच्चे ने बात की है, उसमें उन्होंने क्या जवाब दिया है रिजेक्टेड वाले बच्चों के लिए, उस पर भी बात होगी। और कल फिर से जो है बहुत सारा पैसा बच्चों का आया है जिससे आप लोगों ने हमें मैसेज किया है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी आना स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी बच्चों का आ रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे जब भी कोई अपडेट दिया जाए इमीडिएटली आप तक पहुंचे यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप लोग के ही कुछ कमेंट्स, कुछ मैसेजेस हमने लिए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस तरह से अगर चीजें दिखाई दे रही हैं, तो मैंने आपको पहले कल भी बताया था, इसमें आप टेंशन नहीं लीजिए, ये चीजें जो है चल रही है। यहाँ पर आप लोगों का ब्लैंक, इनका जो है पूरी तरीके से ये चीजें ब्लैंक दिखाई दे रही है, तो क्या होगा, तो इस पर अभी हम ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं। पीएफएमएस वाले अकाउंट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी चीजें आ रही है अभी आपको वेरीफाइड है ना, बस वेरीफाइड करंट स्टेटस दिखा रहा है, वेट करो ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी आ जाए। और पीएफएमएस वाले अकाउंट पर अभी जो है बिल्कुल ट्रस्ट मत करो, उसमें उल्टा सीधा इधर उधर का जो है स्टेटस शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैम, दो फेज वालों के साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट से तो वेरीफाई हो जाएगा। आप देखिए, हेलो मैम, मैं बीएससी से एससी का स्टूडेंट हूँ। मैम, मेरा स्टेटस अभी तक पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी दिखा रहा है। मैंने समाज कल्याण विभाग में भी बात की है, इन्होंने बात की है, रिकॉर्डिंग हमें सेंड किया, हम अभी आपको सुनाएंगे। इनका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, और सिर्फ इन्हीं का नहीं, इनके कॉलेज के सभी एससी कैटेगरी के बच्चों का जो है पेंडिंग दिखा रहा है। मैम, क्या एससी वालों का स्टेटस 31 मार्च तक फॉर्म फिल करने वाले बच्चों के साथ वेरीफाई हो जाएगा या नहीं, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अभी हमने कल इनको बताया था कि कल आप ही के जो है स्टेटस पे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो इन्होंने जो समाज कल्याण विभाग में बात की है वो हम आपको सुना दे। देखो यहाँ पर जो जिस चीजों पर इनकी बात हुई है कि इनका जो है स्टेटस वेरीफाई ही नहीं है किसी भी बच्चे का, तो क्या इनका जो सेकेंड फेज में SC ST कैटेगरी वालों लोगों का होने वाला है उसमें आएगा? ऐसा रूल नहीं है, ऐसा रूल नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसीलिए जिनसे ये बात कर रहे थे वो भी जो है क्लियर इस बारे में हाँ ना नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट फेज में किया है उसको फर्स्ट फेज में ही मिलेगा। सुनिए, देखिए इनका ये कहना है कि इनका जो डेटा है वेबसाइट पे रखा गया है, होल्ड पे डाल दिया गया है। पेंडिंग का मतलब ही होता है कि आपके डेटा को होल्ड पे डाला गया है। अब ये होल्ड पे जो डाला गया है उसका रीजन क्या हो सकता है? या तो आप में कोई मिस्टेक है इसलिए होल्ड पे डाला गया है, लेकिन जैसा कि आप ये स्टूडेंट बता रहे हैं कि इनमें कोई मिस्टेक नहीं है, और जाहिर सी बात है कि अगर मिस्टेक होता तो एक दो स्टूडेंट में होगा, कॉलेज के पूरे एससी कैटेगरी वाले बच्चों में मिस्टेक तो नहीं होगा, कुछ लोगों का तो वेरीफाई होगा, तो ये उनका भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आप दो काम कर सकते हो, एक तो आपने फोन करके पूछ लिया जहाँ पे उनको उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ लास्ट में ये बोला है कि मे बी आपका वेरीफाई हो जाएगा, मे बी जो है वर्ड उन्होंने यूज किया है। आप एक काम कर सकते हैं, आप डायरेक्टली समाज कल्याण विभाग जो आपके आसपास में है वहां पे चले जाइए, वहां से आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी
आखिर में आपके कॉलेज के सभी ऐसी कैटेगरी के बच्चों को क्यों जो है होल्ड पे यानी पेंडिंग में जो है डाल दिया गया है। और ऐसा मैं आपको क्लियर तौर पे बता रही हूँ, ऐसा रूल नहीं है कि जो बच्चे 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे हैं उनका सेकेंड फेज में जो है वेरीफाई होगा, उसमें पैसा आएगा, जब तक कि कोई एकदम अनयूजुअल टाइप ऑफ जो है सिचुएशन ना हो। अगर आपके कॉलेज के साथ कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको कॉलेज वाले या तो नहीं बता रहे हैं या फिर इंटरनल तौर पर है, तो इसलिए उस कंडीशन में हो सकता है जब वो रिक्वेस्ट करेंगे, बट ये जो है नियम, जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। ये मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, जो कि वो नहीं बता पाए जिनसे आपने फोन पर बात की, क्योंकि वो उनको पता है कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर वो कुछ भी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो उनके अगेंस्ट में जाएगा और उनकी नौकरी जा सकती है। लेकिन ये एक्चुअली में चीज है कि अगर आपने फर्स्ट फेज में भरा है तो आपका फर्स्ट फेज में वेरीफाई होकर के ही पैसा आएगा। और अगर ऐसा, फिर से मैं दोबारा भी बोलूंगी, अगर कोई ऐसा सिचुएशन बना है जिस सिचुएशन की वजह से आपके कॉलेज के पूरे एससी कैटेगरी के बच्चों का पैसा नहीं आया है, तो वो सिचुएशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वो वैलिड होगा, जेन्युइन होगा, तभी जाकर के सेकेंड फेज में आपका वेरीफाई या फिर पैसा आएगा। तो इसके लिए आप समाज कल्याण विभाग चले जाइए, वहां से आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लोग डेटा एकदम अच्छे से निकाल करके भी बता देंगे। ठीक है, तो यही सॉल्यूशन है आपका, आप जल्दी से जल्दी ये काम जो है कर लीजिए। इनका आते हैं, इनका पेंडिंग है, देखो पेंडिंग वाले बच्चों के लिए मैं बोलूंगी कि आप लोगों को मैं वीडियो में बार बार बता रही, फिर भी सेम मैसेजेस आप कर रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि जिस स्टूडेंट के बारे में बता रही हूँ सिर्फ उसी के लिए है? आप लोगों के लिए भी है ना, पेंडिंग जिनका भी है उनके लिए यही सॉल्यूशन है कि आप पर्टिकुलरली आप अपने जो है सामने जो भी आपका समाज कल्याण विभाग है वहां जाइए, वहां से पता कीजिए। पेंडिंग का मतलब हुआ कि आपके डेटा को होल्ड पे डाल दिया गया है, और जितना लेट होगा उतना ज्यादा रिजेक्शन का चांसेस ज्यादा बनेगा, वेरिफिकेशन का चांस कम होते जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी से पता कीजिए कि आखिर में ऐसा पेंडिंग पे क्यों डाला गया है, रीजन क्या है, ना ही रिजेक्ट हुआ है ना ही वेरीफाई हुआ है। अब जिनका रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, देखो रिजेक्टेड वाले बच्चे जिनका कि रिजेक्ट हो रहा है उन लोगों का चांसेस थोड़ा सा धीरे धीरे जो है कम हो रहा है कि आप लोगों का जो है मतलब फिर से वेरीफाई होगा। ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ, धीरे धीरे ये चांस और डे बाय डे कम होते जा रहा है। इसके लिए आप करो क्या, इसके लिए आपको भी मैं यही बोलूंगी कि समाज कल्याण विभाग जाइए, वहां से रीजन पता कीजिए। अगर रीजन ऑथेंटिक है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे आपका रीजन यहाँ लिखा गया है रिजेक्ट ड्यू टू एनबीए, तो एनबीए वाला रीजन रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हुआ है तो फिर नहीं कुछ हो पाएगा। फिर भी आपको सजेशन यही रहेगा कि आप एक बार समाज कल्याण विभाग चले जाइए। ये है वेरीफाइड है, अब वेरीफाइड वाले लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम मेरा अभी तक नहीं आया। बाबू 31 मार्च पास नहीं हुआ है, 31 मार्च है, 31 मार्च तक भी तो कुछ लोगों का आएगा ना, तो आप उसी में से हो। फिर बार बार ये करना कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, ये चीजें ना, मुझे कल तो एक स्टूडेंट ने ऐसे ही लिखा था जैसे मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा वेरीफाइड है लेकिन अभी तक नहीं आया। भाई अभी डेट नहीं खत्म हुआ है, इसको बोलते हैं निगेटिविटी, खुद से निगेटिव इन्वायरमेंट अपने आसपास में क्रिएट कर रहे हो, और वो क्रिएट करोगे जो सोच रहे हो, निगेटिव सोचोगे वही हो जाएगा। पॉजिटिव रहो, जब वेरीफाइड है तो डेफिनेटली अच्छा है, तभी तो आपका वेरीफाइड है ना, तो आएगा 31 मार्च तक आएगा, बस आप लोग को वेट करना है। मैम मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म में पीएनबी बैंक डिटेल्स फिल्स करी थी बट बीओबी में पैसा क्रेडिट हुआ है, ये तो आप लोगों का होगा ही। आप लोगों को ये तो बोलो कि आप लकी हो कि आपका पैसा आ गया, नहीं तो वहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता। एनपीसीआई मैपिंग यानी आधार सीडिंग आपके जिस अकाउंट में है उसी में पैसा आता है, डीबीटी जिसमें रहेगा उसी में पैसा आएगा। और आपने जो है जैसे बताया कि आपने पीएनबी का जो है डिटेल भरा था फॉर्म में, लेकिन आपका पैसा बीओबी में आया है, बैंक ऑफ बड़ोदरा में आया है, तो ये बीओबी में इसलिए आया क्योंकि वो एनपीसीआई मैपिंग था, तो आप लकी हो कि आपका आ गया, नहीं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हुआ है।
देखो ये भी चीजें हुई है। चलिए अभी पेटीएम वाले बच्चे के बारे में बात करेंगे हम। रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, रोल नंबर और ये सारा मिसमैच है। जहां पे रोल नंबर और मिसमैच है और रियली में आपने रोल नंबर या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने गलत डाला है तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चांसेस है तो अपने कॉलेज में जाकर के बात कीजिए कि उन्होंने क्या डेटा डाला था, आपने क्या डेटा डाला है। अगर सब सही है तो फिर आप लोग कंप्लेन डाल सकते हैं, आप समाज कल्याण विभाग में जाके बात कर सकते हैं और एक जनहित याचिका जो कंप्लेन होता है वो डाल सकते हैं। अगर आपने भी सही डेटा भरा है, आपके कॉलेज ने भी सही डेटा भरा है, तो ये फिर समाज कल्याण विभाग का मिस्टेक है और इस मिस्टेक के लिए तो फिर आपको कंप्लेन डाल सकते हो। ठीक है। अच्छा ये एक स्टूडेंट का देखना जिनका ब्लॉक हुआ था ना, देखो ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट ये जो इनका आ गया था, अब इनका जो है ब्लैंक हो गया है। ठीक है, ये मोहित का है, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट है। जैसे ब्लॉक बहुत सारे लोगों का हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट तो लिखा हुआ है लेकिन रीजन नहीं डाला गया था, यानी कि अभी ये अंडर प्रोसेस ही था। तो अब इनका जो है यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, अब यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको मोहित एक बात बोलूंगी कि बाबू एक बार ना समाज कल्याण विभाग चले जाओ तो आपका वेरीफाइड वाले रास्ते पे है या फिर रिजेक्शन वाले रास्ते पर है ये पता चल जाएगा। समाज का देखो सभी लोगों का जो ऑथेंटिक आंसर, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि ये कर लो, पेशेंस रखो, टाइम रखो, ये अब वेरीफाइड लोग ऐसे जिनका वेरीफाइड है, लेकिन जिनका पेंडिंग है, जिनका ब्लॉक है, जिनका रिजेक्टेड है, अब उनके पास जो है टाइम नहीं है ये सब करने का। तो आप जाइए समाज कल्याण विभाग, वहां से पता कीजिए। ठीक है, इसी तरह से जो है ये सारे स्टेटस है। अब बहुत सारे लोगों का पैसा भी आया है, बहुत सारे बच्चों का पैसा आपको देख। हाँ ये वाला जिनका है ये भी समाज कल्याण विभाग में जाकर बात कीजिए, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें जो है आपकी आ रही है। तो ठीक है ये चीजें आप करोगे और इंस्टीट्यूशन से रिजेक्ट हुआ है, यहाँ पे पैसा आपको देखने को मिलेगा, पैसा भी इन लोगों का आ रहा है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी जो है आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है इस बच्चे का आया है, जिनका पेटीएम वाला प्रॉब्लम है कि पेटीएम से आधार सीडिंग और पेटीएम बैंक बंद हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी समाज कल्याण विभाग जाइए, वहां पे बात कीजिए, 48 घंटे तक आपका पैसा होल्ड पर रहेगा। और अगर आप सब कुछ ठीक कर लोगे, जैसे बैंक अकाउंट किसी भी तरीके से अगर ठीक कर लोगे, आप समाज कल्याण विभाग वाले ही आपको सही सजेशन देंगे, तो फिर आप लोग आपका जो है ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक आपने किया है, पहले आपको चेक करना चाहिए था। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या आप लोगों के पास क्वेरी है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एवरीवन।